चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एग्जाम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते कभी कभी कि क्या प्रोसेस है अगर तुम लोग को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। दो टाइप इन लोग ने दिया है, ट्रेनिंग दिया है और एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिया है। मैं तुम लोगों को अभी भी बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी है शॉर्ट नोट के अंदर। लास्ट पांच बार के पेपर्स देखो ना, पांच साल के पेपर, उसमें तीन बार तो ये वाला क्वेश्चन आया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता क्या है। नथिंग बट कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ क्वालिटी इंप्रूव करनी है एंटरप्रेन्योरशिप के, अगर बिजनेसमैन को अपनी क्वालिटी इंप्रूवाइज करनी है, तो नथिंग बट सेमिनार्स प्रोग्राम क्या करना है, उसको अटेंड करना है। नो डाउट अपन देखते हैं कि साल में एक बार बड़े बड़े बिजनेसमैन इकट्ठा होते हैं और उसमें से टाटा, रिलायंस, अनिल अंबानी क्या देते हैं, स्पीच देते हैं। मुकेश भाई अंबानी क्या देते हैं, स्पीच देते हैं। रतन टाटा देते क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। क्यों स्पीच क्या देते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं दूसरे एंटरप्रेन्योर जो नए नए मार्केट में आए हैं उनको, ठीक है। तो उसके अंदर पहला है ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग का मतलब तो आई होप तुम लोग को इतना कुछ वाव तो नहीं लग रहा है, नाम तो सुना हुआ ही है। ट्रेनिंग का मतलब जो भी काम कर रहा है बंदा, वो काम में कैसे इंप्रूवाइजेशन कर रहा है, इसलिए अपन क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टाफ को, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर ट्रेनिंग। The traditional school of thought has been thinking that entrepreneurs are born and not made, whereas the modern observation mentioned that some entrepreneurs may be born but a large number of can be made by a education and training. देखो सबके अपन बोलते हैं किसी किसी में कि ये बंदे में leadership quality है, तो born से होता है, वो उस जन्म से ही उसमें क्या हो क्वालिटी है, पर जरूरी नहीं है कि सब में वो क्वालिटी हो। इसलिए अपन क्या करते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टाफ को। यस हैंस टुडे देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस अ एलिजिबल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर। ट्रेनिंग इज अ स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज अ प्लान सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट परवेसिव एंड मॉनिटर टू मेजर इट्स इफेक्टिवनेस। It is an integral input of the managerial development. Training broadens the vision of entrepreneur by providing them a suitable opportunity for an interchangeable of experience within and outside industry. देखो अपन देखते हैं कि अपनी organization में जो upper authority होती है, top level होता है, वो क्या करते हैं, हर महीने हर वीक एक सेशन रखता है ट्रेनिंग के। वो क्यों करते हैं, वो अपना उसके अंदर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि आपको अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको वो प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हो। इसलिए नथिंग बट उसको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अपन देखते रहते हैं कि बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के अंदर एवरी फ्राइडे या तो सैटरडे एक डे फिक्स होता है, उसके अंदर खाली क्या होगा, ट्रेनिंग ही होगा। वो ट्रेनिंग में उन लोगों को वो सिखाया जाता है कि क्या क्या नए नए सॉफ्टवेयर, क्या क्या नए नए टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस आए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो अपने को क्या करना है, अडॉप्ट करना है और क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, इट बिल्ड द नेसेसरी स्किल ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज, इट इम्पार्ट अ नॉलेज ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शंस मेथड, कंज्यूमर्स, एजुकेशन एटसेट्रा। ट्रेनिंग एक्सपोज एन एंटरप्रीनियर टू द लार्जेस्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट विच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट हिम। With the help of training, there can be minimization of excessive scrap, defective output and wastage in the production process. देखो और एक main motto होता है कि आपको training देने का, कि आप अगर आप ये method से अभी use करोगे, ये method से आप material बनाओगे, ये method से अगर production करोगे, तो wastage क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा और product का, raw material का maximum utilization कर सकते हो, इसलिए तो training देते हैं। Training helps in improving the overall efficiency of the entrepreneur. The process of training helps an entrepreneur to accept the new technology, team spirit, standardization, reduce fatigue, minimize the industrial accident, etc. Some of method of training are lecture method. इधर examples दिया कि कैसे कैसे training लेते हैं आजकल modern जमाने में। एक तो है lecture method के through लेते हैं, yes, lecture record कर दिया और उनको प्रेजेंट कर दो, लेक्चर मेथड, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। तो दीज आर द वे कि आप वहां ऐसे ऐसे मेथड से कोई भी एक मेथड चूज करके आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। तो नथिंग बट ये आपका हो जाएगा। चलो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होता है, नथिंग बट सर उन लोग ने खाली नाम चेंज कर दिया है ट्रेनिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मैं तुम लोग को बोला 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। An entrepreneurship development program has been defined as a program designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive and acquiring skill and capabilities necessary for playing his entrepreneurship role effectively.
एफिशिएंसली, यस वो जो भी काम कर रहा है उसमें एफिशिएंसी कैसे लाए, इसलिए क्या करते हैं अपन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको देते रहते हैं। किसको? एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ डिवाइस थ्रू विच द पीपल विद द लेटेंट एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट आर आइडेंटिफाइड मोटिवेटेड टू टेक अप अ न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर, ट्रेन इन मैनेजिंग द यूनिट एंड गाइड इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर एंड एंटरप्राइज। अपन देखते हैं कि कभी कभी इंडिया में नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड लेवल पे ना सब एंटरप्रेन्योर सब बिजनेसमैन को इकट्ठा करते हैं और उसके अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इज अ बिग, मुकेश भाई अंबानी इज अ बिग एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। वो क्या करता है कभी कभी जाते हैं बड़ी बड़ी स्कूल्स के अंदर, बड़ी बड़ी MBA की फाइनेंस के अंदर, IIM है अहमदाबाद, उधर जाने के बाद उन लोग क्या करते हैं वो सेमिनार्स के अंदर टीच करते हैं, उन लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई हम लोग कैसे कैसे आगे आए, क्या सिचुएशन फेस करके और उसको वो प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने कैसे टैकल किया। वो क्या करते हैं नथिंग बट अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो बच्चे लोग के सामने, इज नथिंग बट ट्रेनिंग ही बोलते हैं बट हाँ नथिंग बट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज अ फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गुजरात इन 1970 एंड वॉज स्पॉन्सर्ड बाई द गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। द EDPs आर बेस्ड ऑन अ मैकेलैंड एक्सपेरिमेंट इन अ केकिनांडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश वेयर द बिजनेसमैन वर प्रोवाइडेड विद द मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। चलो अभी देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। देखो अगर 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का तो नथिंग बट आपको मीनिंग लिख के आने उसका और उसके ऑब्जेक्टिव्स लिख के आने हैं। सर उसके ऑब्जेक्टिव्स कहाँ पे दिया है? इसके नीचे ही दिया है जो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। स्टेप्स के बाद अपन पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के। यस चलो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इंक्लूडिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। पहला तो क्या है अरेंजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। सो व्हाट यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? भाई अपन सेमिनार्स रख रहे हैं तो भाई सबके बैठने के लिए सब गेस्ट आ रहे हैं उसके लिए चेयर टेबल सबका क्या करना है आपको अरेंजमेंट करना है, नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, भाई जिसमें कैपेबिलिटी है क्या भाई ही कैन और शी कैन सेमिनार्स ले सकते हैं, मतलब उसमें वो कैपेबिलिटी है उसको क्या करेंगे अपन हायर करेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन में आए और क्या करें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मतलब आपको सिलेक्शन करना है पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर कि आपको रतन टाटा को बुलाना है कि मुकेश भाई अंबानी को बुलाना है, आपको किसको बुलाना है उसके बेस पर डिपेंड करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन किस फील्ड में है और कौन सुटेबल है, कौन पोटेंशियल है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको क्या करना है सिलेक्शन करना। एक बार सिलेक्शन करने के बाद कि अपन ने फाइनल किया गया ये बंदे को अपन बुलाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, बाद में फाइनल करेंगे अपन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटरप्राइज कि क्या काम करना है, कैसे क्या करेगा वो, क्या स्पीच पे क्या ऑब्जेक्ट पे क्या टॉपिक पे वो बोलेगा उसका फाइनल करना है, बाद में एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंजमेंट करना है, बाद में सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल करना है, सिलेक्शन ऑफ मेथड कि कौन से मेथड से अपन ट्रेनिंग देंगे अपने स्टाफ को या तो फिर अपने एम्प्लॉइज को या तो जो भी अदर एंटरप्रेन्योरशिप आए उसको एंटरप्रेन्योर आए उसको कैसे अपन ट्रेन करेंगे उसके लिए भी मेथड अरेंज करके रखना है, बाद में एक्चुअल ट्रेनिंग कर देना है और नथिंग बट लास्ट में उसको करना है मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेनिंग दे दिया अभी तू जैसे को जैसा काम करना है वैसा कर और तेरा लाइबिलिटीज है, नहीं हमेशा सुपीरियर को सबोर्डिनेट को क्या करना है सपोर्ट करना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर क्या करते हैं ट्रेनिंग देते हैं अपने सबोर्डिनेट को और एक बार ट्रेनिंग देने के बाद तू कौन मैं कौन भूल नहीं जाना है, सुपीरियर को फॉलोअप करते रहना है उनके सबोर्डिनेट के साथ, नथिंग बट मॉनिटरिंग का मतलब और टर्म में बोलने जाओ तो नथिंग बट वॉचिंग। यस चलो ये हो गया स्टेप्स हो गया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के। अभी क्या ऑब्जेक्टिव है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अपन देखते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आर आइडेंटिफाई। पहला है टू फोस्टर एंटरप्रेन्योर ग्रोथ इन अ कंट्री। ऑफकोर्स कहाँ ना कहाँ प्रोग्राम से कहाँ ना कहाँ कंट्री को बहुत फायदा पहुँच सकता है क्योंकि अपने इंडिया में जितने स्किलफुल एम्प्लॉयज हो गए नथिंग बट अगर स्किलफुल एम्प्लॉय हो गए तो कहाँ ना कहाँ वो काम अच्छा निकल के आएगा, अच्छा निकलने के आएगा तो नथिंग बट एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट, नथिंग बट कंट्री को प्रॉफिट। यस टू फोस्टर एंटरप्रेन्योर ग्रोथ इन अ कंट्री। सेकेंड है ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। अपन ट्रेनिंग देने का रीजन ही ये होता है कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सके, नथिंग बट एफिशिएंट प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं।
थर्ड डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इंप्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। अपन देखते हैं कि गांव इलाके जैसे में कोई है ही नहीं ट्रेनिंग देने वाला, तो अगर सपोज की बड़ी बड़ी एनजीओ ये इनिशिएट ले रही है बैकवर्ड रीजन के पास जाके समझाते हैं कि भाई कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे आप बना सकते हो ये प्रोडक्ट, नथिंग बट कहा ना कहा वो बैकवर्ड रीजन भी क्या आ जाएगा, आगे आ सकता है, बट हाँ उसको सपोर्ट की जरूरत है वो चीज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कहा ना कहा ट्रेनिंग से प्रोग्राम से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सर कैसे क्रिएट करेंगे, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई बंदे को इतना नॉलेज नहीं है ये काम कैसे करना है, अगर आप उसको सिखा रहे हो ट्रेनिंग दे रहे हो तो कहा ना कहा उसको वो काम आ जाएगा, नथिंग बट उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यस और नो सर? यस, कि भाई अगर उसको वो काम नहीं आ रहा है, अपन ने उसको ट्रेनिंग दिया टाइमली और टाइमली सिखाया कि भाई कैसे प्रोडक्शन को बनाना है, तो उसको उसके कारण क्या हो जाएगा, जॉब मिल सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एक फायदा हो जाएगा कि भाई वो बंदे को क्या मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। फिफ्थ बोलता है वाइंडनिंग बेसिस फॉर अ स्मॉल एंड मीडियम सेल स्केल इंडस्ट्री। ऑफकोर्स उन लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि भाई वो लार्ज लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो दीज आर द फाइव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया 5 मार्क के लिए कि व्हाट इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो आपको उसका मीनिंग लिख के आना है और 5 ऑब्जेक्टिव लिख के आने हैं। अगर आपको स्टेप्स याद रह रहे तो वेल एंड गुड, 8 स्टेप भी लिख के आ सकते हो। चलो नेक्स्ट है अपना रिसेंट इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया स्टार्टअप कंपनीज को क्या दिया, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया इन फॉर्म ऑफ द टैक्स। अगर तुम लोग कमाओ नो डाउट 5 साल तक हम लोग तुम लोग से क्या नहीं लेंगे, टैक्स नहीं लेंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रैक्स को भी थोड़ा क्या दिया है, फॉरवर्ड दिया है, नथिंग बट उनको भी थोड़ा आगे आने का मौका दिया है गवर्नमेंट के, इसलिए इन लोग ने थोड़ा सा रिसेंट इनिशिएटिव इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में डाल दिया। आपको मैं अभी भी बोलो एग्जाम के लिए 0 रिलेवेंस है, अगर तुम लोग चाहो तो इसको पूरा पूरा पेज क्रॉस कर सकते हो, कुछ भी रिलेवेंस नहीं है, ऐसे छोड़ दो। मैंने तुम लोग को day 1 पे भी बोला था जब भी लेक्चर चालू करने के टाइम कि ये वाला मैं नहीं पढ़ाऊंगा और एग्जाम में आता भी नहीं है कभी भी। यस, तो खाली फोकट इस पर टाइम वेस्ट करना इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। यस, देखने भी मत जाना सर क्या दिया है इसके अंदर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको ब्लाइंडली, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ब्लाइंडली आप कर सकते हो, इसको रिजेक्ट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यस, चलो इसके अंदर एक शॉर्ट नोट दिया था, थोड़ा सा अपन पढ़ लेते कि क्या शॉर्ट नोट था। एक शॉर्ट नोट आता है मेन, इतनी बार तो नहीं आया पर कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि व्हाट इज अ इंट्राप्रीनियर। ए भाई इंट्राप्रीनियर क्या है सर, अपन देखते हैं लाइन टू लाइन क्या है। देखो इंट्राप्रीनियर इज अ एन एम्प्लॉयी, वो क्या एक बंदा एम्प्लॉयी, यहाँ पे बॉस की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉयी की बात कर रही है। हु हैज अ ऑथोरिटी एंड सपोर्ट ऑफ हिज कंपनी और एम्प्लॉयर टू इम्प्लीमेंट इज ओन इनिशिएटिव एंड क्रिएटिव आइडिया। मतलब सर ये क्या बोल दिया, हम नहीं समझ में आया, इंटरप्रीनियरशिप क्या बोल दिया आपने, सॉरी इंटरप्रीनियरशिप। देखो एंटरप्रीनियरशिप क्या होता है, एंटरप्रीनियरशिप होता है नथिंग बट जो बंदा बिजनेसमैन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं बात कर रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी आइडियाज यूज करता है, जो भी काम करता है अपने लिए करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रीनियर। इंटरप्रीनियर में क्या होता है, एम्प्लॉयज को अथॉरिटी देते हैं कि भाई तेको जो करना है कर, तेको जो डिसीजन लेना है ले, तेको जो भी आइडियाज आ रहे तू अपने ऑर्गेनाइज, तू वैसा समझ कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, तेरी है। यस और नो? इसलिए वर्ड ही क्या यूज किया जाता है, तो एन इंटरप्रीनियर इज एन एम्प्लॉय, वो बंदा कौन है, बॉस नहीं है एम्प्लॉयी है, वो एज अ अथॉरिटी उसको अथॉरिटी देते हैं एंड सपोर्ट करते हैं ऑफ हिज कंपनी एंड एंटरप्रीनियर्स टू इंप्लीमेंट हिज He's on, he's मतलब employee अपना दिमाग लगा सकता है और decision भी ले सकता है। His idea and product may or may not earn an immediate revenue for the company. Still, employee can keep receiving his salary. So, the main difference between intrapreneur and entrepreneur is that the latter take a financial risk while the entrepreneur does not have a invest any capital from his pocket. देखो entrepreneur के अंदर क्या होता है कि भाई जो businessman है उसको boss को अपना पैसा डालना पड़ता है capital form के अंदर, but entrepreneur के अंदर वैसा कोई फंडा नहीं है because he is a employee not a boss. तो entrepreneur के अंदर उसको कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है, employee को कोई पैसा डालने की जरूरत नहीं है, but entrepreneur employer को पैसा डालने की जरूरत होती है बिकॉज वो उसकी कंपनी होती है। तो फाइनेंशियल रिस्क की बात करूं तो
एंड इंट्रापिनियर, जो एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ मैं, उसको फाइनेंशियल रिस्क कम है एज कम्पेयर टू बात करूँ एंटरप्रीनियर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर बोथ आर डिफरेंट। एंटरप्रीनियर का मतलब होता है एम्प्लॉयर बॉस, एंटरप्रीनियर इंट्रापिनियर का मतलब होता है एम्प्लॉई बोल सकते हो आप। यस, तो उसको कोई पैसा कैपिटल डालने की जरूरत नहीं उसके पॉकेट से, जेब में से। द कंपनी, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हुआ है तो आप रेटिफाई कर लेना आपके हिसाब से भी। यस, कंपनी का स्पेलिंग गलत है तो प्लीज रेटिफाई कर लेना कंपनी। यस, प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव अ डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वेर एम्प्लॉई आर एनकरेज टू यूज देयर क्रिएटिव एबिलिटी सच एन आइडिया और इनोवेशन प्रोडक्शन मे फेच ग्रेट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन नाइटिंग इंडिया टाटा मोटर्स इन्फोसिस टेक्नोलॉजी एटेक्स्ट्रा आर सम ऑफ द कंपनी वू एनकरेज द एंटरप्रीनरशिप। ये लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉई से क्या लेते हैं, आइडियाज लेते हैं कि चिंता मत करो जो भी लॉस होगा हम लोग बेयर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा है तो हम लोग को फ्रीली क्या कर सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो। तो कहा ना कहा उसको भी मोटिवेशन होगा, एनकरेज होगा कि हाँ भाई हम लोग को भी ये लोग पूछ रहे हैं। छोटे छोटे एम्प्लॉइज को तो वही होता है ना कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा एक छोटे से एम्प्लॉइज का नाम ले रहा है इतनी बड़ी सभा के अंदर, इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर, तो उसको तो प्राउड फील होगा कि उसने मेरे को पूछा, रतन टाटा ने मुझे पूछा कि क्या तेरा कुछ सजेशन है कि नहीं ये प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस बिग मतलब उसको क्या होता है, एनकरेज फील होता है, अपने आपको प्राउड फील होता है कि भाई हाँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ एग्जिस्ट करता हूँ ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये वाली क्वालिटीज एवरी बिजनेसमैन के अंदर होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉयज को भी क्या दो, चांस दो। तो नथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप का क्या दो, एक चांस दो कि वो भी नए नए आइडियाज इनोवेटिव आइडियाज क्या करे ला सके। तो बॉटम ऑफ द लाइन क्या है डिफरेंस बिटवीन कि एंटरप्रेन्योर के अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर बॉस को पैसा डालना के पड़ता है, उसको फाइनेंशियल रिस्क भी है, प्रॉफिट हुआ तो उसको ही प्रॉफिट है, लॉस होगा तो उसको ही लॉस है, और उसको अपने जेब से पैसा भी डालना है और उसको सब सेटअप करना है। बट उसकी बात ऑपोजिट बात करूँ इंट्राप्रीनियर के एम्प्लॉई की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई कैपिटल डालने की जरूरत नहीं है, सब यूज़ कर सकता है अपने बॉस का, खाली जो भी पावर दिया है उसको सोचने का कि भाई वो क्या हो, एक फैमिली ट्रीट हो उसको भी, क्या भाई वो भी यू आर द फैमिली इन द आर ऑर्गेनाइजेशन और आप समझो ये आप लोग की क्या है ऑर्गेनाइजेशन है, वो फील करवाने के लिए इंट्राप्रीनियरशिप जैसा कंसेप्ट इन लोगों ने रिप्रोड्यूस किया था। Yes, तो यहाँ पे अपना चैप्टर्स 3 ओवर होता है, मैं जल्दी ही 4 चैप्टर्स लेके आऊंगा, प्लीज अपडेट रहिए। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो बिंदास मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, सर ये डाउट है मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज पोर्शन आप करोगे घर पे। मैं किधर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कुछ अलग से बुक में लिखिए, मैं खाली बोल रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव्स है एटलीस्ट वो आप यहाँ से रिवाइज करिए, ट्रू फॉल्स है, मेजर कॉलम है, और जो ब्रीफ आंसर है वो तो आपके बुक के अंदर पोर्शन के अंदर तो दिया ही है, तो आई डोंट थिंक सो वही चीज आपको बुक में लिखने की जरूरत है, उससे अच्छा दो बार पढ़ लो तो याद रह जाएगा। यस, तो तीसरा चैप्टर आप पे अपना वाइंडिंग अप होता है जो है एंटरप्रीनरशिप डेवलपमेंट। तीनों पार्ट के अंदर कुछ भी डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में डाल देना बिंदास, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मैं सॉल्व करूं। जल्दी में मेरा पार्ट 4 लेके आऊंगा, तो प्लीज़ अगर जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करिए, और जो भी उसी के क्लासेस नहीं जा पा रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन या तो सम अदर कंडीशंस, आप खाली हम लोग की लिंक शेयर कर दीजिए उसके साथ और उसको बोलो कि ये चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे पूरा नॉट ओनली ओसी, ओसी एसपी इको अकाउंट्स मैथ्स इंग्लिश हिंदी मराठी आईटी सब सब सब्जेक्ट के चैप्टर्स वाइज पार्ट यहाँ पे डिटेल में पढ़ाते हैं हम लोग, तो आपको मेरे को नहीं लगा कि कहाँ पे क्लासेस की जरूरत है जाने की। तो प्लीज़ अपडेट रहिए और थैंक यू, और आपका ध्यान रखिए, थैंक यू।